نصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الله رب محمد صلى عليه وسلم نحن عباد محمد صلى عليه وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله معزز و محترم مشائخ و علماء اسلام و معزز و محترم حاضرین و سامعین عرس مبارک کی تقریب میں حاضری کا شرف و اعزاز حاصل ہو جانا ہم سب کے گناہوں کا کفارہ ہے اور یہاں پر بیتنے والے لمحات ہمارے لیے اخروی نجات کا سبب ہے جس طرح کے احساسات و جذبات کے ساتھ آپ تشریف فرما ہوئے ہیں بالکل اسی طرح کے احساسات جذبات نظریات بلکہ اس سے بھی بڑھ کر عقیدت و محبت کے ساتھ سراپا عجز و نیاز بن کر مجھے بھی حاضری کا شرف و اعزاز حاصل ہو رہا ہے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی اس آستانہ عالیہ کی بہاروں کو قیام قیامت تک بلکہ قیامت کے بعد بھی اسی طرح جاری و ساری فرمائے عرس مبارک کی صدارت فرما رہے ہیں آفتاب رشد و ہدایت مہتاب علم و حکمت فخر السادات اہل سنت کے ہر حلقے میں انتہائی عقیدت و احترام کی نظر سے دیکھی جانے والی شخصیت پیر طریقت رہبر شریعت حضور پیر سید انیس حیدر شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ والقدسیہ آپ کے چہرہ زیبا کی زیارت کا شرف و اعزاز حاصل کر کے اور آپ کی دست بوسی سے
करीब करीब हर अकीदतमंद शख्स को उसी तरह महसूस होता है जैसे वो जाहरी तौर पर आपकी दस्तबोसी कर रहा है, हकीकत में साहिब उर्स की दस्तबोसी का शर्फ और एजाज हासिल कर रहा है। मैंने अपनी गुजारिशात के लिए कुरान मजीद बड़ी मशहूर व मारूफ आए करीमा का कुछ हिस्सा तलावत किया है। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان वो लोग जो ईमान लाए उनकी औलाद ने ईमान में अपने अबाउ अजदाद की पैरवी की। अलहकना बिहिम ज़ुर्रियतहुम, हमने उनकी औलाद उनके साथ मिला दी। वमा अलतनाहुम मिन अमलिहिम मिन शेय, और उनके अबाउ अजदाद के अजर सवाब में किसी किस्म की कमी के बगैर, यानी जहां उनको रखा है उनकी औलाद ईमान में उनकी पैरवी करे वही मर्तबा जो उनके अबाउ अजदाद को देंगे उसी जगह पर उनको उनकी औलाद को भी फायद फरमाएगा। इसकी तफसीर में साहेब दुर्रे मंसूर इमाम सयूती रहमतुल्लाह ताला अलैह ने अपनी तफसीर की जिल्द नंबर 6 में सफा नंबर 119 पर हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचाजाद भाई हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह ताला अनु का फरमान नकल किया। कहते हैं, हुम ज़ुर्रियतुल मोमिन यमूतूना अलल इस्लाम इन कानत मनाजिल आबाएहिम अरफ़ाउ मिन मनाज़िलिहिम। इस आयत करीमा में जिनका तज़किरा हुआ है ये अहले ईमान की वो औलाद है जिनका इंतकाल हालत ईमान पर हुआ है। इन कानत मनाज़िलु आबाएहिम अरफ़ाउ मिन मनाज़िलिहिम, अगर इनके अबाउ अजदाद के मर्तबे उनके मकामात उनकी मनाजिल जन्नत में इनसे बहुत ऊंचे हुए, अल्लाह तबारक व ताला अपने फजल से अपने कर्म से इन बुजुर्गों की निस्बत की वजह से उनकी औलाद को भी वही मर्तबा अता फरमाएगा जो उनके अबाउ अजदाद को दिया। इसके साथ मुत्तसिल एक हदीस भी नकल की, हवाले के लिए दुर्रे मंसूर है जिल्द नंबर 6 है सफा नंबर उसका 119। हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, आका कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते इदा दखल الرجل الجنه سال عن نبوي وذريته وولده وفي روايه ومحبي। जब अल्लाह का नेकुकार बंदा जन्नत में दाखिल होगा, जन्नत में दाखिल होने के बाद वो जन्नत का जायजा लेगा, उसका हाल क्या है? साला अन नबवी वज़ुर्रियती वबलदी, जन्नत में जाने के साथ ही वो सवाल करेगा, मुझे जन्नत में ले आए हो, बताओ मेरे वालिदैन किधर है, मुझको बताओ मेरी औलाद किधर है,
मुझको बताओ मेरा बेटा किधर है। एक रवायत में फरमाया गया पूछेगा कि जन्नत में मेरे चाहने वाले किधर है। हदीस में फरमाया गया उससे कहा जाएगा वो तेरे दर्जे को कैसे पहुंच सकते हैं, ना उनके अमाल तेरे जैसे हुए ना उनकी मेहनतें तेरी जैसी हुई, फिर उनको तेरा दर्जा क्यों दें। हदीस में फरमाया गया अल्लाह का वो बरगुदीदा बंदा फरिश्तों को छोड़कर बराहे रास्त रब से अर्ज करता है, क्या कहता है, या रब कद अमिल तो ली वाला हूं, रब्बतुल जलाल तुझको मालूम है मैंने जो नेक अमाल किए हैं सिर्फ अपने लिए नहीं किए, ली वाला हूं जहां पे अपने लिए किए वहां पे अपने वालदैन के लिए किए, वहां पे अपनी औलाद के लिए किए, वहां पे अपने बेटे के लिए किए, वहां पे अपने हर चाहने वाले के लिए किए। इस जन्नत में मुझे उस वक्त तक चैन नहीं आ सकता जब तक कि मेरी चाहत पर जिनको मैं देखूं मुझे चाहना आए वो न लाए जाए। हदीस में फरमाया गया फयूमरु बिलहाकिहिम बिही, रब की तरफ से हुक्म होता है फरिश्तों जिस जिस को चाहता है उसको उठाकर इसी के दर्जे में ले आओ। मालूम हुआ कि अल्लाह के बरगुदीदा बंदों की वो औलाद उनके वो वालदैन जिनका हालत ईमान में इंतकाल हुआ हो वो भी उनके दर्जे में रखे जाएंगे उनकी चाहत पर, और सिर्फ वो नहीं बल्कि उसकी चाहत पर उनका हर चाहने वाला भी जन्नत में रखा जाएगा। एक हदीस इस जिमन में मैं और अर्ज करना चाहता हूं, किताब का नाम है अल मुस्तदरक, जिल्द नंबर इसकी 3, सफा नंबर इसका 210। हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं रायतु कानी दखलतुल जन्ना, गोया के मैंने अपने आप को जन्नत में पाया, मैं खुद जन्नत में मौजूद अपने आप को देखा है। रईतुल जाफरा दारा जाता फौका दारा जाते जैदिन, मैं देखता क्या हूं जन्नत में जाफर तैयार का दर्जा मेरे गुलाम जैद के दर्जे से ऊंचा है। करीब करीब हर शख्स को मालूम है हजरत जाफर तैयार हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचादाद भाई, इनकी औलाद भी अहले बैत, इनकी औलाद पर भी ज़कात और सदकात वाजिबा हराम है। हुजूर मौला अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बड़े भाई उम्र में 10 साल आपसे बड़े हैं, और हजरत जैद बिन हारिसा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदान बनु हाशिम से नहीं, यहां तक के कबीले कुरैश से भी नहीं, यहां तक के सरजमीने मक्का के भी नहीं। हुजूर फरमाते मैं देखता हूं जाफर तैयार का दर्जा ऊंचा है जैद का दर्जा उससे नीचे। हुजूर फरमाते मुझे गवारा नहीं हुआ कि मेरा जैद जाफर तैयार के दर्जे से नीचे रह जाए। यहां से जरा आप अंदाजा लगाइए, जिन लोगों को ये शिकवा रहता है कि ये बड़ी बड़ी हस्तियां अपने खानदान वालों को देते हैं दूसरों को नहीं देते, जरा गौर फरमाइए सरकारे दो जहां को जाफर तैयार कितना प्यारा है। खुद हुजूर फरमाते आसन अशबख्त खल्की व खोलों की, जाफर तैयार तुझे मेरे रब ने ये मर्तबा दिया है तू अपनी सूरत में भी मेरे मुशाबे अपनी सीरत में भी मेरे मुशाबे। हजरत अली शेर खुदा के भाई थी, मर्तबा बहुत ऊंचा रखते हैं लेकिन सरकार को गवारा नहीं कि जैद क्यों नीचे रहा है। जैद बिन हारसा गुलाम है जो बिकता हुआ बारगाह रिसालत में आया है, सरकार ने उसको गुलामी से आजाद कर दिया है, बेटा बनाया है, दोनों एक ही जंग में शहीद हुए, दोनों के लिए सरकार ने मस्जिद नबी में बैठकर
उनके हालात बयान किए, कैसे जुर्रत से लड़े। हुजूर फरमाते मैंने जिब्रील को तलब किया और जिब्रील अमीन को तलब करके मैंने कहा जिब्रील मैं क्या देखता हूं। हजरत जिब्रील अमीन ने अर्ज किया सरकार क्या देखते हैं। सरकार ने फरमा मैं देखता हूं जैद का दर्जा जाफर के दर्जे से नीचे है, लेकिन मैं किसी सूरत भी जैद को जाफर से कम नहीं पाता। हजरत जिब्रील अमीन कहते हैं सरकार हकीकत यह है लैसा बदून जाफर इन जैदन लैसा बदून जाफर, जैद जाफर से कम है भी नहीं, उसके बराबर का टक्कर का बंदा है। हुजूर फरमाते फिर बता जाफर को ऊंचा क्यों रखा, जैद को नीचे क्यों रखा। हदीस के अल्फाज सुनो, जिब्रील अमीन ने बारगाह रिसालत में अर्ज किया सरकार इसकी वजह अमल नहीं, इसकी वजह कोई और नहीं, ये बात है वलाकिन्ना फद्दलना जाफरा लिकराबते ही मिनका, इसको जैद से ऊंचा मर्तबा मिलने की वजह यह है कि आपके चचा का बेटा है। सुभान अल्लाह कहोगे एक बार, मालूम हुआ भी अमल में बराबर हूं फिर खून का रिश्ता मिलता हो और बारगाह रब से भी मर्तबा ऊंचा मिला करता है। एक बार एक हदीस में और आपकी खिदमत में अर्ज करना चाहता हूं, यह हदीस कंदुल उम्माल जिल्द नंबर इसकी 12 सफा नंबर इसका 102, रावी कौन है, हसन हुसैन का बाबा फातिमा के सर का ताज ताजदार हल्लता मुराद कुल कफा सखावत का समंदर शजाअत का गजनफर बाब मदीनतुल इल्म उम्मत का उस्ताद उम्मत के नबी का दामाद हम राद मुस्तफा दम साद मुस्तफा मौला अली मुश्किल कुशा शेर खुदा। अगर सुभान अल्लाह कहना जायज हो तो मौला अली शेर खुदा रजी अल्लाह ताला का शान भी बाल जुज़वी मामलात में कुछ ऐसे फजाइल दिए जो सिर्फ हजरत अली को ही मिले। अगर चूंकि मेरे लिए जो रखा है मैं समझता हूँ वो बहुत ज्यादा जाया ना कर बैठे, मेरा मजमून जो है जहां मैं आना चाहता हूं, लेकिन एक हदीस हजरत अली की फजीलत में भी आपकी खिदमत में अर्ज कर देना चाहता हूं। ये मुस्नद फिरदौस जिल्दौम सफा नंबर 126 पर हदीस आई, हुजूर फरमाते हैं आका कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है इन्नल्लाह तआला जअला ज़ुर्रियता कुल नबीयिन फी सुल्मिही वजअल अल्लाह तबारक व तआला ज़ुर्रियती फी सुल्म अली इब्न अबी तालिब। रब्बुल जलाल ने हर नबी की औलाद उस नबी की पुश्त में रखी है, लेकिन मुझ मोहम्मद की औलाद आमिना के लाल की औलाद रब ने मेरी पुश्त की बजाय मेरे भाई अली शेर खुदा की पुश्त में रखी हुई। सरकार का नसब सरकार का सिलसिला हजरत अली से चल रहा है। इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रजा का एक शेर भी आपकी बारगाह में बड़ा मशहूर है, वो फरमाते हर नबी रा ज़ुर्रियत तर सुल्बे उने हादा अंद नस्ले पाक के मुस्तफा अल पुश्ते तू पर आमदा। इससे ऊपर उनका एक और शेर है वो भी जिगर फाड़ देने वाला है, कहते पिन्नत अहमद रौनक काशानाओ बानुए तो गोश तो खूनश बल्लहमश शीरो शक्कर आमदा असलाम अहमद सेहरो बरादर आमदा हमजा सरदार शहीदा अम्म अकबर आमदा। अब आला हजरत के शेरों का तर्जमा भी सुनो, कहते अली शेर खुदा तुझको मुबारक हो हमारे आका के जिगर का टुकड़ा अजमत का दुर्रे निहां इफ्फत का गंजे गरा शहजादी कौनो मकां सैयदतुन्निसाए अहलिल जन्ना सैयदतुन्निसाए आलमीन फातिमतुल ज़हरा। वो तो तेरे घर की रौनक है, वो तो तेरी बीवी साहबा है, वो तो तेरी रोजा मोहतरमा है, तुझे उनके साथ वो मर्तबा मिला गोश्त खूनश
پلہ مس شیر و شکر آؤں گا, ان کا گوشت آپ کے گوشت سے, آپ کا گوشت ان کے گوشت سے, ان کا خون آپ کے خون سے, آپ کا خون ان کے خون سے, یوں باہم یک دیگر ہوا ہے جیسے دودھ کے اندر شکر ملا کے ایک کر دیا جاتا ہے. علی شیر خدا آپ کو مبارک ہو, رب نے ہر نبی کی اولاد اس کی پشت میں رکھی, لیکن ہمارے آقا کی اولاد رب نے آپ کی پشت سے ظاہر فرمائی ہے. آپ کا یہ مطلب حضرت علی شیر خدا اس حدیث کے راوی ہیں, میں حوالہ دے چکا ہوں. سرکار نے فرمایا, یا علی ان اول اربعۃ یدخلون الجنہ, علی سن, جنت میں سب سے پہلے جو افراد داخل ہوں گے ان میں سے چار بندے ہیں جو سب سے پہلے جائیں گے. یہ حدیث اعلی حضرت نے بھی فتاوی رضویہ میں نقل کی ہے. ایک مرتبہ پھر سنیے, ان اول اربعۃ یدخلون الجنہ, چار بندے سب سے پہلے جنت میں جائیں گے. وہ کون کون سے افراد ہیں؟ سرکار نے فرمایا, انا وانت والحسن والحسین وذرارینا خلف ظہورنا. شیروں پر سبحان اللہ کہیں صحیح, حدیث پر سبحان اللہ نہ کہیں تو جاتی. کیا مطلب ہے؟ سرکار فرماتے ہیں سب سے پہلے جنت میں چار بندے جائیں گے. کون؟ فرمایا سب سے پہلے میں, علی, پھر تو, پھر حسن, پھر حسین. آگے فرما ذرارینا خلف ظہورنا, آگے آگے ہم ہوں گے, پیچھے پیچھے ہماری اولادیں ہوں گی جو جنت میں داخل ہوں گی. اب معلوم ہوا, ان حدیثوں کی روشنی میں معلوم ہوا کہ جس آستانے پہ آئے ہو یہ اسی نسل سے ہیں, نجیب الطرفین سید ہیں, حسنی حسینی ہیں, مومن ہیں, متقی ہیں, پرہیزگار ہیں, اور اتنے پرہیزگار اتنے متقی ہیں کہ سارے متقیوں کو خود ان کی پرہیزگاری پہ ناز ہے. اچھا سوال یہ ہے کہ لوگ پیری مریدی میں داخل ہونے کے بعد مرتبہ پاتے ہیں, جس ہستی کے دربار در بار گوہر بار پہ آئے ہو ان کا حال اس وقت جب ابھی وہ پیر مریدی میں آئے بھی نہیں تھے کیا تھا؟ پڑھنے کے لیے جاتے, قبرستان کے قریب سے گزرتے, قبر والے بولنے لگتے, قبروں سے آواز اٹھتی, السلام علیکم یا حیدر شاہ بادشاہ. درخت کے نیچے بیٹھ جاتے ہیں, درخت پہ بیٹھنے والے پرندے بولتے ہیں, السلام علیکم یا پیر حیدر شاہ بادشاہ, اے پیر حیدر شاہ بادشاہ آپ کو سلام ہو, سلام. اب ذرا غور فرمائیے, جو ہستی بیعت ہونے سے پہلے یہ مرتبہ رکھتی, بیعت ہونے کے بعد جب پیر سیال لجپال کی نگاہ میں آئے ہوں اور خود حضور پیر سیال کی جو خلفاء کی کتابیں ان میں بھی نقل کی ہے, کہتے ہیں جب حضور حیدر شاہ بادشاہ رضی اللہ تعالیٰ نے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو کسی نے ان کو خبر دی کہ خوبصورت چہرے والا شہزادہ, خوبصورت لباس والا, جو اپنی ناز و ادا میں نرالا انوکھا ہے, وہ آپ کی خدمت عالیہ میں حاضر ہوا ہے. حکم کیا ہے؟ ابھی سرکار نے دیکھا بھی نہیں تھا, اندر سے بیٹھے بیٹھے فرمایا وہ جو جیلم کے علاقے سے آئے ہیں وہ خوبصورت شہزادہ, آپ نے فرمایا وہ خوبصورت شہزادہ, خوش لباس, خوش شکل, عالی نسب, وہ اس لائق ہے کہ اس کو خلافت, اس کو خرقہ فخر اور اس کو سلسلہ عالیہ چشتیہ کی امانتوں کا امین بنایا جائے اور کلاہ چار ترکی اس کے سر پہ رکھ دی جائے, اور میں یہ کہتا ہوں کہ وہ خاندان چشت اہل بہشت کا وہ مالک ہے اور نگران ہے ان کا.
عزیزان گرامی قدر ہمیشہ مرید اپنے پیروں کی بات کرتے ہیں ہمیشہ مرید اپنے پیر کی بات کرتا ہے ہمیشہ شاگرد اپنے استاد کے ترانے گاتا ہے ذرا اس مرید کی عظمت کا بھی اندازہ لگاؤ جس کے ترانے اس کا پیر گا رہا ہو کہ میرا ہی کعبے جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف کعبہ کرتا ہے طواف درے والا تیرا یعنی غوث آدم کے در کا طواف کعبہ کرنے آ سکتا ہے
तो जब ख्वाजा अजमेर गया होगा तो फिर कातेनन का तवाफ क्यों नहीं किया। कहते उस वक्त आवाज आई, मोइनुद्दीन हमने तेरा आना कबूल किया, जा हमने तुझे तेरे गुनाह माफ किए, जा हमने तुझे भी बख्शा, हमने तेरे सदके से तेरे घर वालों को भी बख्शा। बोल क्या चाहता है ख्वाजा अजमेर। कहते मैंने सोचा वक्त बड़ा सुहाना है, मैंने झोली फैलाई, मैंने अर्ज किया मौला तेरा मोइनुद्दीन कुछ और भी चाहता है। इरशाद हुआ बोल क्या चाहता है। फरमाया तेरा मोइनुद्दीन उस वक्त तक जन्नत में दाखिल नहीं होगा जब तक कि मुझसे पहले मेरा हर हर मुरीद जन्नत में दाखिल न किया जाए। वक्त ज्यादा है नहीं, उसका मौका है बहुत मुख्तसारी गुफ्तगू हो तो बहुत अच्छी। लौट आए, किसी ने पूछा हुजूर ये मुरीदों से मुराद कौन है? वो जिन्होंने हाथों में हाथ दी, जो खिदमत में बैठते, जो दरवाजे पे आते हैं, वो मुराद है या कुछ और? पर मैं सवाल करने वाले तूने रब की रहमत को बड़ा छोटा समझ लिया है, ये उतनी छोटी नहीं जितनी तू समझता है। उसने कहा हुजूर मैं पूछने आया हूं, बताओ। फरमाया कयामत तक जो भी सिलसिले आलिया चिश्तिया में बैठ होगा वो मोइनुद्दीन का मरीज होगा, जब तक वो न गया मैं भी जन्नत में दाखिल होने। दरबारे गुर्रे बार गोहर बार तुझको बका हो जमाने की बका की तरह, तू सारे जमाने को अपने दामन में पना देने वाला। हादा दुआ लिल बरियत शामिल, ये दुआ अकेला फकीर नहीं कर रहा, जो भी तेरे दरवाजे पे आता है उससे यही दुआ निकलती है। अरबी वालों ने फारसी वालों ने भी एक बात कही, हजरत की खिदमत में शहजादों की खिदमत में कहते शादी शराबी कहते हयात खुश रफ्तनत पर सवाब इबादत कबूल व दुआ मुस्तजाब। मियां मोहम्मद बख्शान से खड़ी इसका तर्जमा किया, वो कहते सदा बहार दी इस बागे कदी खजाना आवे, होमन फैज हजारा ताई हर भूखा फल खावे। दौरान गुफ्तगू मुझसे जो छोटी बड़ी गलतियां सरदर्द हुई अल्लाह से माफी का तलबगार हूँ, आप लोगों से माफी का तलबगार हूँ। वाखिर दावा अनिल हमदुलिल्लाह।